वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है, या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024-25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024-25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 23 तक का, 1 से लेकर 23 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, एकदम सिंपल है, बस ध्यान से आप क्या करें देखेंगे, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बोलता क्या है, राव एंड मजुमदार आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहने का मतलब है देर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, राव और मजुमदार, राइट, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटते हैं, 3:2, यानी 3/5 और 2/5, ठीक है। राव डाइड, कौन मर रहा है आपका, राव, राव डाइड ऑन 31 दिसंबर 2020। राव जो है उसका डेथ हो गया कब, 31 दिसंबर 2020 को। द फ्लोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, और 31 दिसंबर 2020 का बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए हैं। क्या क्या देख लीजिए, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व, उसके बाद राउस कैपिटल, मजमूदार्स कैपिटल, ठीक है, उसके बाद है कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर। उसके बाद ये बैलेंस शीट के बाद नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है द शेयर ऑफ राव इन फर्म्स गुडविल वाज एग्री टू रुपीज़ कितना, 36,000। कहने का मतलब है राव का जो आपका गुडविल है वो कितना आपका एग्रीड हुआ है, 36,000, मतलब 36,000 क्लियर है। आपको राव का गुडविल निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी एकदम क्लियर लिखा है राव इन फर्म्स गुडविल वॉज एग्रीड एट 36,000, यानी राव को गुडविल के तौर पे कितना मिलेगा, 36,000। अब इसके प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस बनाए उसमें जो आपका डिसीड्स पार्टनर्स था उसका गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ता था, यहाँ पे आपका ऑलरेडी दे दिया, अच्छी बात है, हम लोग को टाइम थोड़ा कम लगेगा। फिर बोलता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज वेर वैल्यूड एज रीजनेबली। कहने का मतलब है असेट्स लाइबिलिटीज का जितना वैल्यू था उतना पैसा आया, असेट्स से उतना पैसा लाइबिलिटीज को पेमेंट किया गया, मतलब असेट्स लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, वही सेंटेंस का कहने का मतलब है, ठीक है जी। फिर बोलता है एज्यूमिंग डैट 10,000 वॉज पेड इमिडिएटली ऑन January 2021, और बोलता है कि 10,000 तुरंत दिया गया, कब दिया गया आपका, January 1, 2021 को, एंड द बैलेंस वॉज पेबल इन 3 equal installments ऑन 31 दिसंबर एवरी आपका ईयर। सबसे पहले जितना भी आपका राउस का एग्जीक्यूटर्स का बैलेंस आएगा, मतलब जितना पैसा राउस एग्जीक्यूटर्स को देना पड़ेगा, तो 10,000 तुरंत दे देगा और बाकी जो बैलेंस आएगा उसका 3 आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट वॉज पेबल एट रेट ऑफ 12% पर एनम अनपेड बैलेंस, ध्यान से, और जितना आपका अनपेड बैलेंस होगा राव एग्जीक्यूटर्स को जितना पैसा फर्म का देना होगा आपका अनपेड अमाउंट होगा उस पर कितना परसेंट आपका चार्ज किया जाएगा, 12%, यानी फर्म राव एग्जीक्यूटर्स को जो उसका बैलेंस आएगा अनपेड अमाउंट का उस पर 12% इंटरेस्ट क्या करेगा, देगा। और बनाना क्या देख लीजिए, बनाना प्रिपेयर राव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, देख लीजिए ध्यान से, अभी तक हम लोग को राउज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना नहीं था। राउज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में क्या करते थे, जो डिसीड्स पार्टनर आता था उसका पैसा ट्रांसफर करते थे और खाता क्या करते थे, क्लोज। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बनाना है, राउज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, कैसे बनेगा सब हम आपको बना के दिखाएंगे। थोड़ा कैप पहले उठा लेते हैं, हाँ जी, यहाँ तक तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा
कि राउस कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, राउस कैपिटल अकाउंट बना के पता करेंगे कि राउस एग्जीक्यूटर्स को आखिर पैसा कितना देना है। तो जितना अमाउंट आएगा उसका 10,000 तुरंत दे देगा और बाकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे देगा 12% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, देख लीजिए, राउस कैपिटल अकाउंट बना के पता करेंगे कि राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को कितना पैसा देना है। आप ये फॉर्मेट पता होगा, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, जगह रहेगा तो पूरा 8 कॉलम्स बनाइएगा, अच्छा रहता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस। तो बैलेंस लिख देते हैं, तो 31 दिसंबर है तो जनवरी को भी वही होगा ना, तो लिख देंगे क्या 2021 और आपका हो गया जनवरी 1। सबसे पहले बैलेंस लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया आपका राव का 25,000, कितना हो गया 25,000। 31 दिसंबर है तो उसका एक दिन बाद सीडी है, तो बीडी आपका 1 जनवरी आ जाएगा। उसके बाद जो जो आपका कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम्स होगा क्रेडिट साइड में और घटाने वाला डेबिट साइड में, तो पहले देखिए बैलेंस शीट में कोई आइटम है क्या, है, क्या है, रिजर्व। रिजर्व से कैपिटल क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बाई क्या लिखेंगे, रिजर्व अकाउंट। और रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे, किस रेशियो बांटेंगे आपका 3:5 में, 3:5। तो रिजर्व हो गया कितना, 15,000 × 3/5 है ना, 9,000। कितना आ गया आपका इसका, 9,000 होगा राउस का और बाकी जो आपका था उन्हें मजूमदार किसका कितना होगा आपका 6,000। तो उससे हमको मतलब नहीं है। अब देखिए गुडविल, गुडविल का आपका क्या हो जाएगा एंट्री, गुडविल का एंट्री हो जाएगा क्या, मजूमदार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राउस कैपिटल अकाउंट। तो भाई क्या होगा आपका, मजूमदार, मजूमदार कैपिटल अकाउंट, ये किसके लिए है, गुडविल के लिए, किसके लिए है, गुडविल के लिए। गुडविल का अमाउंट कितना है, 36,000। गुडविल का अमाउंट कितना है आपका, 36,000। ये किसके लिए, गुडविल के लिए, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और कोई आइटम है कैपिटल को बढ़ाने घटाने वाला, और कोई आइटम कैपिटल को बढ़ाने घटाने वाला नहीं है। तो ये जो पैसा आएगा इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। तो देख लीजिए आपका कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ पर हो गया 25,000 प्लस हो गया 9,000 प्लस हो गया आपका 36,000, राइट, 70,000, 70,000। यानी 70,000 राउस का जो आपका उत्तराधिकारी होगा, राउस का जो एग्जीक्यूटर्स होगा उसको पेमेंट किया जाएगा। इसको बैलेंस कर देते हैं, इसको बैलेंस क्या कर दें, 2021 कर देना और क्या लिख दें, जनवरी 1। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 राउ, क्या है आपका, राउस एग्जीक्यूटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना, 70,000। ठीक है, और यहाँ क्या लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा आपका, बैलेंसिंग फिगर, क्या लिख दीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि राउस के एग्जीक्यूटर्स को देना कितना है, कितना देना है आपका 70,000। 70,000 में 10,000 क्या करेगा, तुरंत दे देगा, बचेगा 60,000 और 60,000 का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी 20,000 आएगा। सब अभी हम आपको कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना के दिखाऊंगा, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर्मेट पता है आपको, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, जगह रहेगा तो 8 कॉलम्स बनाइएगा, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या अभी हमने बनाया था, राउस कैपिटल अकाउंट बनाया था, वहाँ पर एंट्री क्या क्या था, राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, मतलब राउस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होकर चलाया, राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, उसका एंट्री क्या होगा, राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस को लाइए, सबसे पहले क्या कीजिए, बैलेंस को लाइए। कौन सा बैलेंस लाएंगे आप लोग, राउस आपका कैपिटल अकाउंट वाला। ठीक है, तो आपका हो गया जनवरी, जनवरी क्या हो गया 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई राउस कैपिटल,
क्या लिखेंगे, बाय राउस कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कितना आपका 70,000 राउस कैपिटल अकाउंट से बैलेंस कहाँ गया, राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, ठीक है। अब ये 70,000 को क्या करना है, पेमेंट करना है। क्वेश्चन में बोलता है 10,000 कब पेमेंट किया है आपका, 1 जनवरी को। 10,000 कब पेमेंट किया है, 1 जनवरी को। तो आपका पेमेंट करेगा तो क्या होगा, राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से चलेंगे क्योंकि कैश एट बैंक है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा। तो क्या लिखेंगे 2021 और फिर क्या लिखेंगे हम लोग जनवरी 1, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट। एंट्री क्या हो गया आपका, राउज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया है 10,000, कितना पेमेंट किया है 10,000। अब जो भी पेमेंट होगा अब 31 दिसंबर को, मतलब 31 दिसंबर को आपका इस ईयर क्या होगा, पेमेंट होते चला जाएगा। तो पहले समझिए, 70,000 में 10,000 तो इमिडिएटली पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस अमाउंट कितना रहा 60,000, कितना रहा 60,000। और वो जो 60,000 है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर, अगर हम दिखाना चाहें वर्किंग नोट करके, यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहें वर्किंग नोट करके तो दिखा देते हैं आपको वर्किंग नोट्स, ठीक है। पहले इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट निकाल लेंगे तो सिंपल है, 1/3 of ₹60,000, ठीक है, 1/3 of ₹60,000, क्योंकि 70 में 10 पेमेंट हो गया तो आपका कितना बचा 60,000। तो 60,000 का क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 20,000, यानी 20,000 क्या होगा पेमेंट करेगा, जो आपका पैसा है कैपिटल का पैसा है, ठीक है। और साथ में इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट का रेट कितना है आपका 12%, जो जितना अनपेड अमाउंट रहेगा। तो आपका 1 जनवरी को पेमेंट हुआ, अब कब वेट होगा आपका, अगला पेमेंट कब होगा 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को पेमेंट होगा। तो बताइए 31 दिसंबर को अनपेड अमाउंट कितना रहा 60,000, 70 में 10 क्या हुआ पेमेंट हो गया, बचा कितना 60,000, तो 20,000 देगा। तो 31 दिसंबर को आपका अनपेड अमाउंट कितना रहा 60,000, तो 60,000 पे पहले क्या निकलेगा आपका इंटरेस्ट, क्या निकलेगा इंटरेस्ट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए मैं इंटरेस्ट का भी एंट्री बता देता हूँ, क्या होगा इंटरेस्ट का एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राउज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका राउज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और इंटरेस्ट से राउज का जो आपका एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट है पैसा, वो देना क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। तो इसका पोस्टिंग करेंगे ना, कब पोस्टिंग करेंगे हम लोग, दिसंबर 31, कब पोस्टिंग करेंगे 31 दिसंबर 31, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का कीजिए, सबसे पहले किसका होगा आपका इंटरेस्ट का, किसका होगा आपका, सबसे पहले जो होगा आपका इंटरेस्ट का, अगर दिखाना चाहे तो यहीं पर दिखा दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कितना था अनपेड अमाउंट 60,000 था ना, कितना था आपका 60,000, देखते जाइएगा 60,000, और 60,000 का कितना परसेंट बोलता है 12%, 60,000 का कितना परसेंट बोलता है 12%, तो हम लोग 60,000 का 12% निकालेंगे, कितना आएगा 7,200 ना, 60,000 का 12% 7,200, यानी 7,200। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू का पेमेंट कर दिए, मतलब पोस्टिंग कर दी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राउज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 7,200। अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे दिसंबर 31 को क्या होगा पेमेंट होगा, तो पेमेंट सिर्फ 20,000 नहीं होगा, 20,000 प्लस इंटरेस्ट। कभी भी लोन का पैसा पेमेंट करेंगे ना तो आपका इंटरेस्ट के साथ, बात समझे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन का पैसा 20,000 देंगे या सिर्फ इंटरेस्ट का 7,200, नहीं, लोन का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा साथ मिला के इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टू क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, टू क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा आपका 20,000 हो गया, 20,000 हो गया आपका इंस्टॉलमेंट का, और फिर कितना हो गया आपका 2,700, कितना हो गया 20,000 और प्लस कितना हो गया 7,200 जी, 20,000 प्लस कितना हो गया 7,200, तो हो गया 27,200, कितना हो गया 27,200।
यानी इसको पेमेंट कितना किया जाएगा 31 दिसंबर को, 20,000 तो आपका हो गया आपका पैसा एग्जीक्यूटर्स वाला पैसा, और आपका 7200 केसेस का इंटरेस्ट का, तो टोटल पेमेंट कितना होगा 27,200। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस निकाल दीजिए। अब यहाँ पर क्या निकाल दीजिए इसका बैलेंस, तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है जी। अब टू बैलेंस सीडी आएगा, देखिए तुरंत अब बन जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। देखिए सब कुछ क्या होता है हम आपके सामने बना के दिखाएंगे ना, तो टाइम लगेगा ही लगेगा। कॉपी पर बना बना ला के समझा देना, एक सोलूशन का बुक आता उसी से क्या बोलता है छाप के लिख देना, वैसे नहीं करते हैं ना, तो कोई बात नहीं है। 70,000 और फिर हो गया आपका 72,000, तो हो गया 77,200। यहाँ भी कितना लिखेंगे 77,200, ठीक है। 77,200 में लेस कर दीजिए कितना 10,000, और फिर कितना लेस कर दीजिए 27,200, तो मेरा कितना जाएगा 40,000, कितना जाएगा 40,000। तो अब आपका अनपेड अमाउंट कितना रहा 40,000, तो सीडी है तो बीडी कर दीजिए, तो आपका कौन है 2021 है ना, तो अब मेरा जाएगा 2022 और हो जाएगा January 1, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस क्या लिखेंगे बीडी कितना 40,000, कितना 40,000 बाई बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे हम लोग 40,000, थोड़ा बढ़िया से लिख दें, ठीक है। अब 40,000 पे इंटरेस्ट होगा, 40,000 पे इंटरेस्ट होगा कितना 4,800, क्योंकि जितना अनपेड अमाउंट रहेगा उसी पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, बात समझे ना। तो अनपेड अमाउंट सेकेंड ईयर में कितना है 40,000, तो आपका हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 31 दिसंबर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बाई क्या लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ऑफ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तो यहाँ पर कितना हो गया 40,000 ना, तो 40,000 का कितना परसेंट 12%, क्योंकि जितना अनपेड अमाउंट रहेगा उसी पे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो आ गया कितना 4,800। अब इसका पेमेंट कीजिए, अब इसका पेमेंट करेंगे तो हो जाएगा 2022 है ना, 2022 और दिसंबर को पेमेंट होगा, ठीक है। 31 दिसंबर क्या लिखिएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 20,000 रुपया हो गया आपका वो जो इंस्टॉलमेंट निकाले थे 20,000 का 3 और 4,800 किस का हो गया इंटरेस्ट का, यानी आपका 20,000 और प्लस 4,800 यानी 24,800। अब इसका पेमेंट कितना हो जाएगा 24,800, ठीक है। अब इसका भी क्या कीजिए सीडी बीडी कीजिए बस। अब नेक्स्ट वाला में क्या हो जाएगा, ये खाता क्लोज, 3 साल के बाद खाता क्या हो जाएगा आपका क्लोज हो जाएगा जी, ठीक है। तो आपका हो गया उधर आपका हो गया 40,000 और प्लस कितना हो गया 4,800, तो हो गया आपका 44,800, यहाँ भी हो गया 44,800 और उसमें सेलेक्ट कर दीजिए कितना 24,800, कितना जाएगा 20,000। तो यहाँ पर लिख दीजिए हम लोग क्या टू बैलेंस सीडी कितना 20,000। अब लास्ट में कितना बचा आपका 20,000, उसको भी क्या करेंगे पेमेंट करेंगे, 20 हो गया ना 22, तो यहाँ पर लिख दीजिए 23, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 23 और यहाँ पर कर दीजिए January 1, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया आपका 20,000, कितना हो गया 20,000। फिर इसका इंटरेस्ट का ड्यू का एंट्री कीजिए, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री कीजिए, क्या लिखिए बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है जी। कितना आपका 20,000 का कितना परसेंट 12%, ठीक है। तो 20,000 का निकालिए 12%, 2,400 आ गया, राइट, कितना आ गया 2,400, कितना आ गया 2,400। अब इसको पेमेंट कर देते हैं बस, फाइनल पेमेंट कीजिए 2023, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा December 31, क्या लिखिएगा टू बैंक अकाउंट, तो 2,400 हो गया इंटरेस्ट का और 20,000, ठीक है। 22,400 कितना हो गया 22,400 कितना हो गया 22,400। तो इस तरह से ये आपका अकाउंट क्या हो गया क्लोज।
अब ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज, क्योंकि दोनों साइड जोड़िएगा तो कितना जाएगा 22,400 और यहाँ भी आ जाएगा 22,400। तो इस तरह से ये खाता क्या हो गया, क्लोज। बस हमको कुछ नहीं करना था, आपका 70,000 बैलेंस आया था, 10,000 तुरंत दिया, बाकी बचा 60,000। तो 60,000 पे पहले निकाले 12%, 7,200 और यहाँ पर क्या किया, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का पैसा जोड़ जोड़ के देते चला गया। आपका पहला अनपेड अमाउंट था 60,000, फिर था 40,000 और फिर कितना था 20,000। तो इस तरह से आफ्टर 3 ईयर्स राउज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। एकदम सिंपल था, आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप इसका क्या किए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सोल्यूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं, थैंक यू।